नमस्कार आदाब सत मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर रिपोर्टर्स सोर्सिस दिस इज 28th of ऑफ जुलाई ओके सो 28th एट ऑफ जुलाई 2020 में आप सभी का स्वागत है यहां पर रोज सुबह साढ़े सात बजे आपके लिए डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूं बस इसी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा डेफिनेटली आप नाइनटी परसेंट तक स्कोर कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर सेक्शन में एंड इसी क्लास के के क्लास के तुरंत बाद बजे एक एमसीक्यू होती है जो कि हथियन अकेडमी स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एमसीक्यूज हम करते हैं प्रीवियस डे के बहुत ही शानदार पोल के थ्रू करते हैं लाइव टेस्ट आपका होता है प्रीवियस डे के एमसीक्यूज का तो जरूर उनको अटेंड किया कीजिए चलिए शुरुआत करते हैं आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की उम्मीद करता हूं मेरी आवाज और मैं बहुत सही तरीके से आपको दिखाई दे रहा हूंगा गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओके चलिए आगे बढ़ते हैं ये मेरा नया कोर्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का चार अगस्त से स्टार्ट हो रहा है ओके okay, सो so चार अगस्त अन अकेडमी प्लस पे अन प्लस सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं तो नीति कोड लगा लीजिएगा एनआईटीआई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जस्ट आपको क्लिक करना और सीधा परचेजिंग मोड पे पहुंच जाएंगे और आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं अगर आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्ट लिंक जाइए और कीजिए ये मेरा कंप्लीट कोर्स चार अगस्त से रोज सुबह आठ बज के पांच मिनट पे वो क्लास हुआ करेगी तो चार अगस्त से हमारी जो टाइमिंग है ये डेली करंट अफेयर्स की वो सात बजे हो जाएगी और हमारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो सात बज के पैंतीस मिनट पे हुआ करेंगे और हमारी जो प्लस क्लास है ये वाली ये आठ बज के पांच मिनट हुआ करेगी फ्रॉम फोर्थ ऑफ अगस्त हमारे ये टाइमिंग जो है वो चेंज होने वाली है राइट ओके तो ये इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जा सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं अगर नहीं मिले जो जस्ट सर्च कीजिए जनरल अवेयरनेस विद कपिल कार्ड आपको मेरा चैनल इजीली मिल जाएगा थर्टी थ्री थाउजेंड से ज्यादा सब्सक्राइबर है शुरुआत करते हैं आज के सेशन की पहली न्यूज हमारी आई है और पहली न्यूज हमारी आई है

कंपेरीटेक कंपेरीटेक नाम की एक एजेंसी ने ये रैंकिंग आपकी दी है सोलवी रैंकिंग दी है एंड दिस इज अमंग्स दी लिस्ट ऑफ टॉप 20 सिटीज जहां पर सबसे ज्यादा क्लोज सर्किट सीसीटीवी सर्विलियंस कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं अब इंडिया यहां पर इंडिया का हैदराबाद यहां पर सोलह स्थान पर रहा तो सबसे ज्यादा कहां पर रहा टॉप किसने किया है और टॉप किया है आपका चाइना चाइना ने चाइना ने ओके यहां पर टॉप किया है एंड इंडिया की और रैंकिंग की बात करो तो चेन्नई ट्वेंटी फर्स्ट रैंक पर है दिल्ली थर्टी थर्ड रैंक पर रहा है एंड दिस रिसर्च इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पर, पर थाउजेंड पीपल ओके एंड हैदराबाद में okay पर थाउजेंड पीपल पे जो आई है रैंकिंग वो आई है 29.99 ट्वेंटी आपके इंस्टॉल हैं 1000 लोगों के ऊपर और यही आपका जिसने टॉप किया है उसमें है 119 सौ कैमराज पर थाउजेंड लोगों के ऊपर आपके इंस्टॉल किए जाते हैं ऊपर मतलब कि उनकी सर्विलियंस के पर्पज से राइट और इसी के साथ इसने आपका ट्वेंटी मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज को भी आपका एक रिसर्च एक किया है उसका भी डाटा दिया है जिसमें दिल्ली आपका सेकेंड स्थान पर रहा है एंड को आपका टॉप किया है टोक्यो जापान ने राइट सो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ क्वेश्चन दुनिया का सबसे मोस्ट सर्वेड सिटी नाम का जो सर्वे किया गया वो किसने किया कंपेरी टेक ने किया आपका ये सर्वे राइट ओके नेक्स्ट हमारा कौन सी इंडिया की कौन सी सिटी ने सबसे ज्यादा रैंकिंग इसमें हासिल की इंडिया की आपकी हैदराबाद में 16वीं रैंकिंग हासिल की दिस इज रिलेटेड टू तो सीसीटीवी एंड नेक्स्ट हम चलते हैं किसने टॉप किया ताइवान चाइना ताइवान चाइना की एक सिटी ने इसमें टॉप किया है एंड ये जरूर याद रख लेगा ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन ये भी पूछ सकते हैं आपसे नंबर ऑफ कैमरास पर थाउजेंड ओके, एंड मोस्ट सिटीज़ में टोकियो टॉप पर रहा एंड दिल्ली आपका सेकेंड स्थान पर रहा है अलावा चेन्नई एंड दिल्ली भी आपके शामिल हैं इक्कीसवें और तेतीसवें रैंक पर बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर न्यूज में से बनते हैं तो अच्छे से याद करके रखिएगा इन सभी को पूछा जा सकता है नेक्स्ट चलते हैं हम आ, इसी से कंटिन्यू कुछ न्यूज़ है इसी में ही है आपकी ये यह, यहां पर कुछ कंट्रीज को इसमें आपका शामिल नहीं किया गया वो शामिल आपका नहीं किया गया क्योंकि अवेलेबल नहीं था एडिस आर अमंग सो, okay, सो कुछ है आपके जिनको शामिल नहीं किया गया था ये आपका रिसर्च जो है कंडक्ट कहां से कलेक्ट कहां से किया गया डाटा ये सब यहां पर लिखा गया है एंड एटीन आउट ऑफ ट्वेंटी ये भी एक याद करने वाला फैक्ट है कि जो 20 स्टॉप हम बात की थी पिछली न्यूज़ में उसमें 18 आपकी चाइना में ही है एंड ग्लोबली देयर आर 770 मिलियन कैमरास जो कि आपका 54% है वो भी आपका चाइना में ही है ओके okay, चाइना में ही सबसे ज्यादा आपका सर्विलियंस की जाती है लोगों की राइट right. नेक्स्ट चलते हैं हम uh, इंडिया बिल्ड इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल कैपेबल टू रन डबल स्टैक कंटेनर फर्स्ट इन दी वर्ल्ड सो दुनिया में पहली बार आपका ये इंडिया ने बनाया है एक किलोमीटर लंबा वन किलोमीटर लॉन्ग वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल दैट फिट्स डबल स्टैक कंटेनर डबल स्टैक कंटेनर का मतलब क्या है कि जो आपका कंटेनर जो आपके ट्रेन होती है ठीक है सो आपने देखी होगी ट्रेन में डब्बा के डब्बे के ऊपर डब्बा ठीक है आपने सुनी भी होगी डब्बे के ऊपर डब्बा अब्बा डब्बा डब्बा So, डब्बे के ऊपर डब्बा वही ट्रेन में हम बात कर रहे हैं वो कंटेनर के ऊपर कंटेनर दैट इज दी डबल स्टेक कंटेनर सो यहाँ पर दुनिया का पहला इलेक्ट्रीफाइड रेल टनर दैट फिट्स डबल स्टेक कंटेनर ये आपका बनाया जा रहा है ये कहा पर बनाया जा रहा है ये आपका अरावली माउंटेन ऑन वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर ये उसका एक कॉरिडोर एरिया का नाम देगा नियर दी सोहाना हरियाणा सोहाना हरियाणा के नजदीक आपका ये अरावली माउंटेन को काट कर ये बनाया जा रहा है एक किलोमीटर लंबा दुनिया का पहला इलेक्ट्रीफाइड रेल चैनल यहां पर यह टनल आपका कहां से कहां कनेक्ट करेगा यहां पर एक एंड जो टनल का रहेगा वो रिवाड़ी हरियाणा एंड दूसरा एंड जो है दादरी उत्तर प्रदेश को आपका कनेक्ट करेगा और यहां पर मेवात एंड गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे आपको ये कनेक्ट करेगा इनको एंड ये आपका चौदह मीटर एंड दस मीटर इन हाइट स्ट्रेट अगर पोर्शन की बात करें तो दस मीटर है वैसे चौदह मीटर है और पंद्रह मीटर वाइड है एंड बारह इसकी हाइट है। ओके, okay, सो so पर ये आप देख सकते हैं इट इज कंसीडर्ड टू बी द बिगेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया जा रहा है द्वारा अगेन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं so देखो, पर ये मत सोचना कि इतना कैसे याद होगा पहली न्यूज में भी इतना डाटा था दूसरी न्यूज में इतना डाटा कैसे याद होगा करना

अगर मेरी क्लास में यह सोचकर आ रहे हो कि याद नहीं होगा तो फिर मेरी क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है ओके okay, फ्रेंकली बोल रहा हूं कड़वा सच है इसको पीना पड़ेगा खाना पड़ेगा जैसे भी आप करो डाइजेस्ट कर सकते हो इस बात को तो कर लो अटेंड अटेंड करते रहो क्लास को अगर नहीं डाइजेस्ट कर सकते तो छोड़ के चले जाओ फिर मत कहना कि सर नंबर क्यों नहीं आए ठीक है ऑलरेडी आप भुगत भूगे हो आप एग्जाम ऑलरेडी फेल हो चुके हैं काफी सारे एग्जाम में फिर भी लोग नहीं समझते हैं तो क्या करें यार क्या सोल्यूशन है इसका और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो पता नहीं कि इनके में आ जाते हैं उनको लगता है कि वन लाइनर पढ़ के पीडीएफ पढ़ के सब कुछ हो जाएगा फिर जब नहीं होगा साल बर्बाद हो जाएगा फिर सोचेंगे कि काश उस वक्त हमने बात मान ली होती तो इसलिए कह रहा हूं कड़वा सच है पी लो इसको खा लो इसको करना पड़ेगा तो मतलब करना पड़ेगा ही ठीक है बाकी आपकी इच्छा छोड़कर क्लास जा सकते हो तो जाना चाहे तो जा सकते हैं यू आर मोस्ट वेलकम ओके सो so, वैसे वेलकम वेलकम यू आर मोस्ट मैंने क्या बोला गलत लाइन फिट कर दी ना चलो कोई बात नहीं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने इनाइग्रेट किया वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी ओके सो यहां पर वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी यहां पर आपका वर्चुअली इनाइग्रेट की है और ये आपकी पहली गवर्नमेंट हनी टेस्टिंग लैब इंडिया की मानी जा रही है इसको एस्टेब्लिश किया गया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा ओके नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया कहां पर एस्टेब्लिश किया गया सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनेगा कहां पर एस्टेब्लिश किया गया आनंद गुजरात में एस्टेब्लिश किया गया है साथ में है नेशनल बी बोर्ड की सहायता के साथ नेशनल बी बोर्ड की सहायता के साथ इसको आपका किया गया है एंड द मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड नेशनल मिशन फॉर बी कीपिंग आर इंप्लीमेंटेड थ्रू द नेशनल बी बोर्ड एंड द स्टेट्स ओके सो ये आपकी स्कीम से इंप्लीमेंट की जाती है इनके द्वारा नेशनल बी बोर्ड के द्वारा यहां पर ये जिसने ये Board, आ, ये ये जिसने आपका नेशनल, आ, आपका आपका जो कि सॉरी इंडिया में किया उसके अलावा काम भी ये करता है, राइट right, सो so यहां पर आपका अप्रूव किया गया डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर वेलफेयर के द्वारा दो साल के लिए इस मिशन को जिसके तहत ये किया गया है एंड वर्ल्ड क्लास लैब विद प्रोटोकॉल्स एंड एग्रीगेटेड बाय दी एल ओके चलो इसमें देखते हैं अब क्या क्या बनेगा फिर से बहुत सारी चीजें इसमें से निकलेंगी यहां पर पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बनेगा अनंत गुजरात याद रख लेना कहां पर बन रहा है आनंद गुजरात में आपका बन रहा है ठीक है पहला क्वेश्चन ये है सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कौन है नरेंद्र सिंह तोमर है नेक्स्ट आपका कौन सी आपकी एक लैब एस्टेब्लिश की जा रही है नंद गुजरात में एंड दैट इज दन्नी टेस्टिंग लेबोरेटरी किसके द्वारा एस्टेब्लिश की जा रही है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा एस्टेब्लिश की जा रही है किसका सपोर्ट है नेशनल बी बोर्ड के सपोर्ट के द्वारा की जा रही है कौन से मिशन के तहत की जा रही है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत आपकी सपोर्ट इस आपकी अप्रूव की गई है अंडर इसके मिशन के तहत आपकी एस्टेब्लिश नेक्स्ट किसके द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है बेसिकली इसको करने का नेशनल बोर्ड ऑफ़ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ये जो नीचे किसी लेबोरेटरी इंडिया में करनी हो, उससे पहले यही आपका अप्रूवल देता है इससे ही अप्रूवल लेना पड़ता है राइट ओके चलिए इसके बाद ये आ गया। आपके सामने एनडीडी एंड ND, याद रख लेना चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं पंजाब से ये न्यूज आई है पंजाब कैबिनेट ने आपका अप्रूवल दिया है कितना 285.7 मिलियन डॉलर नियर अब 2130 करोड़ रुपए आपके होते हैं और ये आपका अप्रूवल दिया गया है कहां से ये पैसा लिया जाएगा आपका आईबीआरडी से आईबीआरडी से यहां पर 200 मिलियन डॉलर जो कि 70 परसेंट है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का नियर अबाउट लिया जाएगा पैसा और 85.7 मिलियन डॉलर जो है वो आपका पंजाब गवर्नमेंट 30 परसेंट जो है पंजाब गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगा अब ये पर्पज क्या है ये पर्पज है आपका कैनल बेस्ड वाटर सप्लाई को आपका फॉर अमृतसर एंड लुधियाना अमृतसर एंड लुधियाना सिटीज के लिए आपका का वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये आपका दिया गया इस प्रोजेक्ट को आपका अप्रूव किया गया इस प्रोजेक्ट को कैनल बेस्ड वाटर सप्लाई पर मुहैया करवाने के लिए अमृतसर और लुधियाना में 285.71 मिलियन डॉलर का आपका अप्रूवल दिया गया जिसमें से 70% पैसा यानी कि 200 मिलियन आपका आईबीआरडी के द्वारा दिया जाएगा एंड पंजाब गवर्नमेंट 85.7 मिलियन डॉलर इसमें आपका देगा अब जो यहां पर इसकी बाइफर्गेशन है नीचे यहां पर बाइफर्गेशन भी लिखी हुई है 11.61 मिलियन आपका वाटर सप्लाई मैनेजमेंट के लिए 240.38 मिलियन इंप्रूविंग वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 15.62 मिलियन लैंड एक्विजिशन एंड रीहेबिलेशन एंड 10 मिलियन कोविड क्राइसिस के लिए एंड 7.6 मिलियन आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी दिया जाएगा ओके okay, सो so ये उम्मीद करता हूं इतना तो आप याद कर ही लोगे और अब आपको सर ये भी याद रखना है क्या बाइफ़र्केशन में याद रखनी है देखो बाइफ़र्केशन मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं पूछेंगे ठीक है क्या हो गया हाँ। ओके सो बाइफ़र्केशन मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं पूछेंगे बाकी आपकी इच्छा हो आपकी प्रभु इच्छा आपकी हो तो याद कर लेना ठीक है बाकी मेरी तरफ से कट है ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम डीपी सिंह कमेटी हैज बिन सेटअप ओके डीपी सिंह डीपी सिंह यहां पर आपका कमेटी सेटअप की गई है चेयरमैनशिप ऑफ द यूजीसी चेयरमैन डीपी सिंह है आपके हमारे ओके okay. सो so, यहां पर इनके अंडर एक कमेटी सेटअप की गई है कमेटी क्या इंश्योर करेगी ये कमेटी आपके इंश्योर करेगी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इंडिया में रहे एंड वो अपनी हायर स्टडीज इंडिया में ही कंटिन्यू करें यह रिपोर्ट का बेसिक उद्देश्य है एक तो स्टूडेंट्स टू गो एन अब्रोड एंड यहाँ रिटर्निंग फ्रॉम अब्रोड कोविड नाइनटीन ओके उनकी पढ़ाई वो छोड़कर वापिस आए हैं तो इसलिए उनके बारे में ख्याल रखना एग्जाम so, से यहाँ पर आ, क्या याद रखना है डीपी डीपी सिंह सिंह यूजीसी के चेयरपर्सन उनके द्वारा एक कमेटी हेड की जस्ट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट से याद करने की जरूरत नहीं है हाँ ये चीज जो आपका पर्पज है ठीक है so, इसमें आपका इंपॉर्टेंट है चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम कुम्हार सशक्तिकरण योजना ओके okay. कुम्हार यहां पर पोर्टर जो आपके पोर्टर होते हैं कुम्हार उनकी हम बात कर रहे हैं यहां पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने डिस्ट्रीब्यूट किया है हंड्रेड इलेक्ट्रिक व्हील्स ओके व्हील्सो इलेक्ट्रिक पोर्टर व्हील्स okay. यहां पर आपके डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कौन से अंडर कुम्हार सशक्तिकरण योजना ऑफ के ओके के क्या है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन यह क्या काम करता है ये नीचे आपके सामने लिखा हुआ है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के तहत

इलेक्ट्रिक वॉटर व्हील्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए या फिर कुम्हार सशक्तिकरण योजना आपका किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है आपका गिविंग दी ट्रेनिंग टू दी पोर्टर्स ओके एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिंग द इलेक्ट्रिक वोटर ओके और नीचे लिखा हुआ किया गया था? भी पूछा जा सकता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है दैट इज दी एमएसएमई का नाम चेंज होकर क्या हो गया है कमेंट सेक्शन में बताओ हमने कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में किया था चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम आ, बुक टाइटल द एंड गेम ऑथर्ड बाई द हुन जेदी ओके सो एक बुक आई है सामने और यह बुक का नाम है आपका द एंड गेम ओके सो इसने किसने लिखी है एस हुसैन जेदी ने यह बुक आपकी लिखी है क्राइम राइटर है आपके एंड एंड गेम इसका नाम है ओके एंड गेम इसका नाम है बुक स्पीक्स अबाउट द पॉलिटिक्स बिटेरियल एंड अन इमेजिनेबल राइट ओके सो यहां पर एक और चीज है किसी को अगर वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो प्लीज अपने जो आ, वीडियो का जो रेजोल्यूशन है उसको आप चेंज कीजिए मैं यहां पर 1080p पे जो एक हजार है पी पे प्रोवाइड करवा रहा हूं ठीक है तो आपके मोबाइल में जो रेजोल्यूशन है उसको चेंज कीजिए इसलिए आपको वीडियो सही नहीं दिखाई दे रही okay. एक पानी पी लिया जाए हाँ पता नहीं कि ज्यादा चिल्ला लिया क्या मैंने ओके नेक्स्ट न्यूज इंडिया रशिया से आई है ओके okay. ओके सो यहाँ पर आपका हाँ एंड गेम एवेंजर से रिलेटेड नहीं है कहीं एवेंजर आ जाओ जो अवेंजर है थोर... जो उसके थोड़े का नाम क्या था थोर के हथोड़े का नाम क्या था प्रनाउंस प्रनाउंस नहीं कर पाओगे ना लिख तो दोगे प्रनाउंस करके दिखाओ मुझे है इंडिया रशिया ज्वाइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शलाइजेशन प्रोग्राम सो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी हाल ही में एक लॉन्च किया है क्या लॉन्च किया है इंडिया रशिया ज्वाइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शलाइजेशन प्रोग्राम को यहां पर लॉन्च किया गया है किसने डी ने लॉन्च किया है यहां पर इंडिया एंड रशिया के साथ मिलकर ओके इंडिया एंड रशिया यहां पर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया इन पार्टनरशिप दी फीकी फीकी यहां पर साथ में है फेसी यहां पर है ओके okay? फेसी और फीकी यहां पर है फीकी एंड दी फेसी फीकी चाय ओके सो दैट इज दी के साथ फेसी आपका रशिया का है फेसी का मतलब है फाउंडेशन फॉर रेजिस्टेंट टू स्मॉल इनोवेटिव एंटरप्राइजेस ओके okay, सो so ये फेज सी वो ट्विटर वाले फेजू नहीं है ये फे सी अलग है ठीक है रशिया वाले फेजी और फीकी इंडिया की तरफ से सो so यहां पर आपका दो प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है टू कनेक्ट स्टार्टअप एंड दी एस एम ऑफ इंडिया एंड रशिया टू डेवलप दी टेक्नोलॉजी ओके सो एग्जाम पॉइंट ऑफ से डीएसटी ने लॉन्च किया है किसके साथ कौन सी कंट्री के साथ इंडिया के साथ रशिया के साथ मिलकर एक ज्वाइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट जिसको किसने लॉन्च किया है किसके साथ पार्टनरशिप किया फीकी एंड दी फेजी ये भी पूछा जा सकता फीकी एंड फेजी किससे रिलेटेड है एंड फिजिक ऑफ इंडिया को आपका दोनों देशों का आपका एक साथ जोड़ना और नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाना रशिया की कैपिटल मॉस्को है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है करेंसी रशियन रूबल है राइट right. नेक्स्ट चलते हैं हम इंडिया यूरोपियन यूनियन ने साइन किया एग्रीमेंट ऑन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन सो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने रिन्यू किया पांच सालों के लिए यहां पर एग्रीमेंट को यहां पर इन्होंने किया है रिन्यू किया है okay, so, साइन किया गया दो एंड रिन्यू किया गया फिर दो बार दो 2007 एंड एंड 2015 में फिर से एक बार उन्होंने इसी एग्रीमेंट को किया है। so, इंडिया ने कौन सी आपकी यूनियन के साथ या कौन से ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ कंट्रीज क्या लीजिए यूरोपियन यूनियन के साथ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन के ऊपर रिन्यू किया है अपना एग्रीमेंट चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ओके बैंकिंग न्यूज की तरफ बढ़ते हैं जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 को अमेंड किया गया सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अमेंडेड दी जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 रूल वॉज अमेंडेड टू इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन दी पब्लिक प्रोक्यूरमेंट ओके सो यहाँ पर पब्लिक प्रोक्यूरमेंट इंपोज रिस्ट्रिक्शन प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम नेबरहुड कंट्रीज ऑफ इंडिया पर आपका कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है आपकी सामान लेने से जो आपका गवर्नमेंट सामान लेती है उसके लिए यहां पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज की गई है नेबरहुड कंट्रीज जो की अपना लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करते हैं चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी कंट्रीज है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं और वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं राइट सो लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं उनके साथ इंपोज की गई रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम दीज कंट्रीज एंड दिस हैज बीन डन ऑन है नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया जाएगा दिस इज दब्लिक प्रोक्योरमेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट का मतलब है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो वहां से समान लेते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं जनरल फाइनेंशियल रूल दो में ये अमेंडमेंट किया गया है ओके सो ऐसा नहीं है ये आपका किसी भी तरह का सामान नहीं ले पाएंगे बट दिया जा सकता है जब भी वो आपका बिड्स जब ऑब्वियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ भी खरीदा जाता है तो वहां पर बोली लगाई जाती है वहां पर ऑप्शन लगाया जाता है बिड्स की जाती है बोली इनवाइट की जाती है सो so, यहां पर अगर वो रजिस्टर्ड है कंपेटेंट ऑथोरिटी के साथ कहने का मतलब ये है कि उनको कंपेटेंट ऑथोरिटी से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा उसके बाद वो आपकी बिड लगा पाएंगे उसके बाद अभी नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन था अब रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया गया अब कंपेटेंट अथॉरिटी कौन सी है कंपेटेंट ऑथोरिटी ये रही आपके सामने द कंपेटेंट ऑथोरिटी इज द रजिस्ट्रेशन कमेटी रजिस्ट्रेशन कमेटी दैट इज सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ओके सो ये है आपकी कमेटी जो कि डीपीआईआईटी के अंडर रजिस्टर्ड है सो दिस इज दिनियल जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 अमेंड किया गया है यहां पर राइट ओके सो द प्लेस विड्स टू प्रोक्योर गुड्स ओनली इफ ही इज रजिस्टर्ड विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जो कंट्रीज है ना याद रख लेना उन कंट्रीज को मैंने जो पूछा था ना लैंड बॉर्डर वाली कंट्रीज पूछ सकते हैं एग्जाम में ठीक है जब आया है यहाँ पर न्यूज स्पेसिफिकली उसके लिए आई है स्पेसिफिकली इसी के लिए आई है तो डेफिनेटली दे कैन आस्क यू दिस थिंग इन द एग्जाम आल्सो ये मत समझना कोई हमारे यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है ये अब बैंक एग्जाम में भी पूछ सकते हैं ये चीज ओके okay, डी भी याद रखना नीचे

पार्टनरशिप किसके साथ फोन पे के साथ आईसी से लोमार्ड पार्टनरशिप विदोन पेस्पिटल ने पार्टनरशिप किया किसके साथ फोन पे के साथ अप okay, किया, किया है और हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट स्कीम लॉन्च की है इसका मतलब क्या हुआ हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट देखिए अभी तक आपने हेल्थ इंश्योरेंस तो सुना होगा जो आप किसी भी तरह की आपकी

मेडिसिन का दिया जाएगा या आपका जितना भी ऑपरेशन हुआ है सर्जरी हुई है उसका दिया जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें सिंपल सिंपल उन्होंने फिक्स कर रखा है आपका चाहे खर्चा पचास हजार है चाहे आपका पच्चीस हजार उनको कोई मतलब नहीं उन्होंने मान लीजिए एक एग्जांपल सेट कर दिया कि हजार पे एक दिन का उन्होंने देना है ओके सो दैट इज डेली बेनिफिट एक हजार एक दिन का देंगे बाकी आप जैसे मर्जी उसको यूज कीजिए यूज मतलब हॉस्पिटल वालों को ये देंगे वो जैसे भी आपके बिल में एडजस्ट करेंगे सो दिस इज दी हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट थोड़ी सी एक नई स्कीम आई है ओके सो

आपको देना है जिसमें आपका पैंतीस पैसे पर डे का खर्चा आएगा और पांच सौ रुपए पर डे आपका मैक्सिमम लिमिट होगी ऐसा नहीं महीने तो, तक का आपको पांच पांच सौ रुपए दिया जाएगा नहीं इसमें डेज भी अलग अलग बैंक अलग अलग आपके स्कीम्स का अलग अलग है तो ज्यादा उसमें याद रखने की जरूरत नहीं जस्ट यूनिटेड ने फोन पे के साथ टाइप किया है नेक्स्ट चलते हैं हम आ, फोन पे एंड डी आई लोम्बार्ड के बारे में स्टेटिक फैक्ट पार्था प्रतिम सेन गुप्ता को एमडी एंड सीईओ बनाया गया है आईओबी का ओके okay, आईओबी के आपके एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं ये बने हैं पार्था प्रतिम सेन गुप्ता को इनको अपॉइंट किया गया है ये आपके जगह लेंगे आपके कर्नम शेखर की ओके okay, इनकी जगह पर आपके आएंगे जो कि रिटायर हो रहे हैं आपके रिटायर हो चुके हैं आपके ये और बने हैं पार्था प्रतिम सेन गुप्ता नाम याद रख लीजिएगा सो सुद्ध पार्था प्रतिम सेन गुप्ता आईओबी के नए एमडी एंड सीईओ ये आपके डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि आपका होगा कहां पर होगा हरियाणा में होगा हरियाणा में होगा ये अनाउंस कर दिया गया है यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा हरियाणा इज टू होस्ट दी फोर्थ एडिशन ऑफ द इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स ओके इससे पहले कहां पर हुए थे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ स्टार स्पोर्ट्स यहां पर साइन किया है इसने एज एन ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट एंड ये आपका गेम्स होंगी टोक्यो ओलंपिक्स के बाद होंगी खेलो इंडिया स्कीम आपकी लॉन्च की गई थी स्पोर्ट्स मंत्रालय के द्वारा आपके ताकि स्पोर्ट्स को और बढ़ावा दिया जा सके और इसके लिए पांच लाख रुपए पर एनम आपके दिए भी जाते हैं आपके नेक्स्ट आठ सालों के लिए दिए जाएंगे इसको और स्पोर्ट फ्र, फ्रेटर्निटी को और इंप्रूव करने के लिए अभी हाल ही में भी एक न्यूज आई थी जिसमें तीस हजार रुपए आपके दिए भी गए थे सभी सभी जो इसमें खेलो इंडिया के अंदर आपके आते हैं स्पोर्ट्स पर्सन ओके सो दिस इज दिसोर्थ एडिशन कहां पर होगा हरियाणा में होगा

ओके okay, क्वेश्चन दो क्वेश्चन लेकर आता हूं आपके लिए मैं डेली बेसिस में पिछले दिनों के पिछले हफ्ते के क्वेश्चन होते हैं जल्दी कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताइए जल्दी से और देखते हैं कि आपको आता है क्या नहीं आता एंड सवा आठ बजे मेरी क्लास है कौन सी एमसीक्यू क्लास है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस क्लास को जरूर अटेंड किया कीजिए आपके एमसीक्यूज आपके लाइव यूज होता है पोल के थ्रू होता है आप टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को कि कल जो हमने किया था वो आपने कितने अच्छे से आपको याद रहा है राइट ओके चलिए रिवीज़न करते हैं क्विक अभी बस ओके okay. सो so, ये था आपका क्वेश्चन ऑफ द डे दो क्वेश्चन हमारे चलिए क्विक एक रिवीज़न कर लेते हैं फटाफट और फिर एमसीक्यू uh, क्लास पे चलेंगे ओके okay. ओके चार अगस्त से मेरा बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है अगर ऑलरेडी प्लस सब्सक्राइबर हैं तो रोज देखना ना भूलेगा आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा ये बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स आने वाले किसी भी बैंकिंग एग्जाम में चाहे जब भी बैंकिंग एग्जाम हो ये कोर्स आपके लिए बेनिफिट रहेगा इवन इंग्लिश सेक्शन के लिए और इवन इंटरव्यू के लिए और आपके मेन्स एग्जाम में तो आते ही है क्वेश्चन इसमें से ठीक है प्लस सब्सक्रिप्शन नीति कोड लगा लीजिएगा एनआईटीआई ओके सो परचेज करते वक्त चार अगस्त से हम मुलाकात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के रोज सुबह कोर्स में। पहली न्यूज हैदराबाद ने रैंक दिया है सोलवा इन दी वर्ल्ड मोस्ट सर्वील्ड सिटी ओके सो कंपेरिटिव नाम की एक एजेंसी ने रैंकिंग दी है सोलवा सीसीटीवी सर्विलेंस कैमरा यहां पर सबसे ज्यादा आपके इंस्टॉल किए गए हैं यहां पर एंड ताइान चाइना ताइवान चाइना ने इसमें आपका टॉप किया है इंडिया के चेन्नई एंड दिल्ली भी आपका इसमें टॉप 50 में शामिल हुई है ये मतलब है आपका नंबर ऑफ कैमरास पर थाउजेंड पीपल का जो कि 29.9 कैमरास पर थाउजेंड पीपल आपका हैदराबाद के द्वारा एंड आपका ताइवान में एक सौ उन्नीस पर थाउजेंड पीपल के ऊपर लगाए गए हैं एंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज का भी आपका रिसर्च कंडक्ट किया गया जो टॉप पे आपका टोक्यो रहा दिल्ली सेकेंड पर रहा नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू इसी में कुछ और फैक्ट्स है एंड नेक्स्ट हम चलते हैं एक किलोमीटर लंबा दुनिया का पहला इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल जिस पर आपके डबल स्टैक कंटेनर्स आपके जा सकते हैं ये आपका किया गया है यहां पर लॉन्चिंग इसकी की जा रही है सोहना हरियाणा में बनाया जा रहा है डी के द्वारा बनाया जा रहा है एंड यहां पर यह कनेक्ट करेगा रेवाड़ी एंड दूसरा एंड रहेगा दादरी उत्तर प्रदेश को नेक्स्ट है एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ने इनग्रेट किया वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का जिसका एस्टेब्लिश किया गया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि किया, किया, किया गया है आनंद right, गुजरात well में में साथ सपोर्ट दिया है एनबीबी के द्वारा एंड ये किया गया है मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इस मिशन के तहत इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट लेबोरेटरी को इम्प्लीमेंट किया गया है राइट एज वेल एज दी नेशनल मिशन फॉर बी कीपिंग भी इसमें शामिल है एंड इसको जो अप्रूवल दिया गया वो दिया गया है नेशनल बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज़ के द्वारा वाटर सप्लाई के लिए जो कि अमृतसर लुधियाना के लिए रहेगी एंड कौन कौन है अमृतसर लुधियाना से कमेंट सेक्शन so, में बताओ सो टू मिलियन ये जिसमें 200 मिलियन आपका आईबीआरडी देगा एंड एट्टी मिलियन आपका पंजाब गवर्नमेंट देगी नेक्स्ट डीपी सिंह कमेटी एक सेटअप की गई है जिसके तहत आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ने जाते थे उनको आपका इंडिया में ही रखना यानी कि कुछ ऐसे प्रोग्राम इंप्लीमेंट किए जाएंगे ताकि वो लोग इंडिया में ही पढ़ना पसंद करें या जो लोग अपनी पढ़ाई छोड़कर बीच में आ चुके हैं विदेश से इंडिया में कोविड की वजह से उनके लिए भी ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी कुम्हार सशक्तिकरण योजना कुम्हार सशक्तिकरण योजना यहां पर आपका किया गया है हंड्रेड इलेक्ट्रिक पोर्टर व्हील्स इसमें आपके डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे किए गए हैं आपके आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको आपका किया गया है कुम्हार सशक्तिकरण योजना के के तहत इंप्लीमेंट किया गया है नेक्स्ट चलते हैं हम ओके सो एस हुसैन जेदी आपके क्राइम राइटर रिसेंटली रिटर्न अ नोवल नेम देम एंड गेम इन्होंने नोवल लिखा है इंडिया रशिया ने ज्वाइंट टेक्नोलॉजी के साथ में फीकी एंड फेजी शामिल है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने साइन किया एग्रीमेंट ऑन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के तहत इंडिया ने किसके साथ यूरोपियन यूनियन के साथ रिन्यू किया है इस एग्रीमेंट को जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में कुछ अमेंडमेंट किया गया जिसमें कहा गया है जो लैंड बॉर्डर जो है आपकी कंट्रीज हैं जो शेयर करती हैं लैंड बॉर्डर उनके साथ कुछ आपकी जो पब्लिक रिक्विटमेंट है उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है यानी कि उनको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा कम्पोनेंट ऑथोरिटी के पास जो की है रजिस्ट्रेशन कमेटी जो कि सेटअप की गई है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा नेक्स्ट एमेजॉन पे ने टाइपअप किया एक्व जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ जिसके तहत आपका ऑटो इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा एमेजॉन पे के ऊपर अवेलेबल रहेगा आईसीसी लोमबार्ड ने फोन पे के साथ टाइपअप किया जिसके तहत हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट आपका स्कीम लॉ लॉन्च किया गया है आईसीसी लोमार्ड ने फोनपे को फोन पे के साथ टाइप किया है पार्थ प्रतिम से आपके अपॉइंट किए गए एमडी एंड द इंडियन ओवरसीज बैंक कर्णव शेखर की जगह लेंगे फोर्थ एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कहां पर होने जा रहा है हरियाणा में होने जा रहा है टोक्यो ओलंपिक्स के बाद ये आपका होगा स्टार स्पोर्ट को इसके लिए ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर बनाया गया है चलिए मेरे दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था उम्मीद करता हूं पसंद आएगा बने रहिएगा मेरे साथ सवा आठ बजे तुरंत आ आज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसी सेशन में फिर से मुलाकात करते हैं आइएगा जरूर लाइव क्विज अटेम्प्ट करते हैं कल के जो हमारे करंट अफेयर थी देखिएगा कि आप कितने पानी में है एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए तभी तो आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे नहीं तो इंप्रूव कैसे होगा ठीक है डरिएगा नहीं आइएगा जरूर टेक केयर बाय सी बीओगेन एट फिफ्टीन क्लास लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सी यू अगेन